10 साल बाद नियोजित शिक्षकों के नियमावली के अनुसार मिलना चाहिए प्रमोशन और मिल गया डिमोशन। जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल माननीय उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों के और सरकार के बीच जो लड़ाई थी उसका फैसला आया। सभी शिक्षक संघ के नेता जी अपना अपना पीठ थपथपाए जा रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की जीत हो गई, सरकार हार गई, सक्षमता परीक्षा रद्द हो गया, कंडिका 4 और कंडिका 12 बिल्कुल रद्द हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो आप सभी नियोजित शिक्षक हैं। माननीय उच्च न्यायालय वही फैसला किए हैं जो वस्तु स्थिति थी और शिक्षकों की मनसा थी। मानवों का यह बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि जब उसको मृत्यु दंड दिया जाए तो आजीवन कारावास मांग लेता है, और आजीवन कारावास दिया जाए तो 7 साल की सज़ा मांग लेगा, और 7 साल की जब सज़ा मिलती है तो कहता है हमको माफ़ कर दीजिए। ठीक नियोजित शिक्षकों के साथ यही हुआ। कुछ भी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला नहीं दिया गया, नियोजित शिक्षकों की कोई जीत नहीं हुई। अब बिल्कुल सर्वविदित हो गया कि सरकार जो चाहती है वही होता है और वही हुआ। नियोजित शिक्षकों का डिमांड था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, जो बिल्कुल नहीं मिला। ऐच्छिक ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं मिला। सक्षमता परीक्षा लेकर के प्रमोशन नहीं बल्कि नियमावली के अनुसार वरीयता के आधार पर प्रमोशन, जो बिल्कुल नहीं हुआ। अतः कल जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया उसमें नियोजित शिक्षकों का कोई जीत नहीं हुआ है। और इसमें मैं शिक्षक संघ के नेताओं का इस बार कोई दोष नहीं देता हूँ। वो बेचारे तो आपके लिए जी जान लगा दिए, लेकिन आप लोगों की गलती, आप लोगों की कमजोरी, आप लोगों की अनेकता और आप लोगों को अपने आप को बड़प्पन साबित करने का, योग्य साबित करने का जो भूत सवार था, उसके कारण नियोजित शिक्षकों का भविष्य गर्त में मिल गया। जैसा आंदोलन हुआ, चुनाव का वक्त था, सरकार निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई एक्शन लेती। इतना भयभीत हो गए आप लोग कि लगा जब फांसी हो जाएगी आप लोगों को। संघ माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया और आप लोगों को लगातार कहते रहा संघ। कोई ये नहीं कह रहा था कि आप सरकार के नियम के विरुद्ध परीक्षा नहीं दीजिए, किंतु इतना तो इंतज़ार करना चाहिए था कि माननीय उच्च न्यायालय में जब हमारा पक्ष रखा गया है तो माननीय उच्च न्यायालय के सम्मान में कम से कम एक बार सक्षमता परीक्षा देने से परहेज करते तो निश्चित रूप से कंडिका 4 जो बिल्कुल अवैध था, सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों को हटाने की साजिश थी, जिला ट्रांसफ़र करने की साजिश थी, सक्षमता परीक्षा जो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात थी, वो कंडिका 4 पूर्णतः माननीय उच्च न्यायालय रद्द कर देते, किंतु आप लोगों के कमजोरी के कारण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है बिल्कुल वैसे ही है, जो रोगी को भावे सो वैद्य फरमावे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो एक नाम दे दिया गया है कि तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। वही शिक्षा मित्र था, वही नियोजित शिक्षक है, वही पंचायत शिक्षक था, वही नियोजित शिक्षक है, वही विशिष्ट शिक्षक बने, बाकी फायदा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें समझ लेने की बात है कि अब सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक दे दिए हैं, अब तो जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुधि ले, अब आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे विचार से जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर गए अच्छी बात है, अब वो कहाँ जाएंगे? अगर उनके घर से 10-12 किलोमीटर के दायरे में आपका विद्यालय पड़ता है तो आप वहाँ योगदान करें, नहीं पड़ता है तो मत करें, इससे कोई आपको विशेष लाभ होने वाला नहीं है। हाँ,
जिन लोगों को TET के तहत बहाली हुई थी, 2-3 वर्ष जिनका सेवा हुआ है, उनके लिए यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली फायदेमंद होगा और उन्हीं लोगों के कारण यह आंदोलन धीमा पड़ा और हार हुई। उन लोगों को भी एक बार इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वो लोग दूर दराज से यहाँ आए हुए थे और उनकी सेवा अवधि कम थी, तो उन लोगों को भविष्य में ज़्यादा फायदा होगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी 6-7 वर्षों के बाद शायद हो सकता है कुछ फायदा होगा, लेकिन वर्तमान में 2003, 2005, 2006, 2008, 2012 तक जो बहाली हुई, उन लोगों को वर्तमान में कोई विशेष फायदा मिलने नहीं जा रहा है। इसीलिए अगर आप लोगों को नज़दीक में 10-12 किलोमीटर के आसपास में अगर मिलता है विद्यालय, तो योगदान कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई विशेष फायदा होने को नहीं है। दूसरी बात, अभी भी समझिए कि यह भारत जो है 200 वर्षों तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों के द्वारा, मुगलों के द्वारा सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा। और याद कीजिए, जो आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं इतिहास, सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई से भरा हुआ इतिहास है। और आज तक जो भी कुछ मिला है लोगों को लड़ करके मिला है, और आप शिक्षा मित्र से लेकर के विशिष्ट शिक्षक तक बने हैं, तो आपके लड़ाई और एकता के कारण ही मिला है। तो अब सभी शिक्षक इतना समझ लीजिए कि एकता में बल होता है और उसके कारण आप लोग बचे हैं, नहीं पदाधिकारी शिक्षा विभाग और सरकार की जो साजिश थी आप लोग को निश्चित रूप से हटा दिया जाता है। इसीलिए अब इस पर गंभीर लड़ाई लड़नी चाहिए। जो TET वाले शिक्षक हैं, उनको अगर नज़दीक में पड़ता है तो वो विशेष शिक्षक में जा सकते हैं, बाकी लोगों को कोई फायदा नहीं है। अब सोचिए कि नियोजित शिक्षक नियमावली के अनुसार आप पूर्णतः राजकर्मी हैं, अगर राजकर्मी नहीं हैं तो चुनाव कैसे कराते हैं, जनगणना कैसे कराते हैं, 18-20 वर्षों से बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, सरकार एक अवैध संस्थान से बहाल शिक्षकों से सरकारी कार्य करवाते हैं, जनगणना, वोटर लिस्ट, चुनाव, हाँ ये बात समझिए कि शिक्षकों को कई श्रेणियों में बांट करके ठीक वैसे ही हुआ। 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने एक कूटनीति रचा और भारतीय लोगों को पहले हिंदू मुसलमान, फिर सिख, जैन, बौद्ध, और उसके बाद जो है सो अनेक जाति पाति में बांट करके सबको अलग अलग कर दिया, और उसके बाद जो है सो सैकड़ों वर्षों तक राज किया। ठीक वैसे ही है, अगर राजकर्मी सरकार बनाती है तो राजकर्मी वो होना चाहिए जो पुराने शिक्षकों का जो नियमावली था उसके तहत उनको राजकर्मी बनाना चाहिए, पेंशन आदि सारी सुविधाएं उनके मिलनी चाहिए, पे ग्रेड वो मिलना चाहिए पुराना वाला। ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल नाम बदल दिया गया है। वैसे ही जैसे नियमित शिक्षकों की नियमावली है, वैसे नियोजित शिक्षकों का नियमावली है, सभी शिक्षक ही हैं। नियोजित शिक्षकों की नियमावली के अनुसार उनकी सेवा अवधि से 10 वर्ष के बाद, जब 10 वर्ष उनकी सेवा हो जाती है, माननीय उच्च न्यायालय भी इस पर टिप्पणी किए हैं कि जो शिक्षक चाहे परीक्षा देना चाहते हैं दें, राजकर्मी बनना चाहते हैं दें, नया नाम अपना रख लेना चाहते हैं रख ले, अमीर लाल नाम रख देने से लोग अमीर नहीं हो जाता है और गरीब नाथ नाम रख देने से लोग गरीब नहीं हो जाता है। ठीक वैसे ही हुआ है कि नाम जो है से बढ़िया से रख लिया गया है। तो माननीय उच्च न्यायालय भी यही कहें, जो शिक्षक चूँकि परीक्षा दे चुके थे तो माननीय उच्च न्यायालय समझे कि कुछ लोग शिक्षक परीक्षा देना चाहते हैं तो ठीक है दीजिए, जो नहीं परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके नियमावली के अनुसार 10 वर्ष पर उनको प्रमोशन देना था, BA स्केल देना था। तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए 10 वर्ष पर, आ उसके 8 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक में उनको प्रमोशन होना चाहिए था। तो अब जो 2003-05 में जो बहाल हुए शिक्षक, उनको अभी हेडमास्टर के रूप में अनुभव के आधार पर प्रमोशन मिलना चाहिए था, तो फिर एगो नया खुजले निकल गया प्रधान शिक्षक बनने का। तो अब लड़ाई ये लड़नी है कि जो शिक्षक नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए बनी, उस नियमावली के अनुसार 10 वर्ष के बाद जो प्रमोशन मिलना था BA स्केल वो मिलना चाहिए, 18 वर्ष पर प्रधानाध्यापक में प्रमोशन होना चाहिए था वो होनी चाहिए। और नहीं आप लोगों का मन है जो कि हम परीक्षा देकर के तुरंत चले जाते हैं प्रधानाध्यापक में, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार से पुराने जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं उनको विशिष्ट शिक्षक से कोई बेनिफिट तत्काल नहीं मिल रहा है, और भविष्य में 8-10 साल के बाद जब तक मिलेगा
तब तक हो सकता है 8-10 साल में आप लोग अगर लड़ाई लड़ेंगे तो आपको स्वतः अनुभव के आधार पर प्रमोशन मिल जाएगा, उतना बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप सब लोग एक रहेंगे तब। इसीलिए इस विशेष शिक्षक नियमावली से कुछ भी नहीं हुआ और ये लड़ाई आप लोग पूर्णतः हारे हैं और उसका कारण आप हैं और आपके कारण चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन की मोल कलम आज उनकी जय बोल। कम से कम उनके लिए जय तो बोलिए, जो बेचारे शिक्षक नेता ब्रजवासी अमित कुमार कई शिक्षक नेता सब थे उन लोगों पर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो गई और उन्हीं लोगों के कुर्बानी के कारण आप आज अभी अबीर गुलाल लगा रहे हैं जब हम विशेष शिक्षक बन गए। अरे भाई कम से कम उनका तो फिक्र कीजिए, जो बेचारे की लड़ाई के कारण आप कम से कम अपनी नौकरी बचा चुके हैं। इसलिए तमाम शिक्षकों से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि ब्रजवासी जैसे नेता पर अगर कार्रवाई हो जाती है तो भविष्य में देश गुलाम बन जाएगा, क्योंकि जो जो आवाज़ उठाएगा उसको फांसी दे दिया जाएगा, काला पानी की सजा दे दी जाएगी, तो फिर देश के लिए लड़ेगा कौन, किसी के हक के लिए लड़ेगा कौन। बहुत बहुत धन्यवाद।